नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सुमन। प्लैनेट हिस्ट्री पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। क्लास 11 चैप्टर 11 लास्ट चैप्टर है क्लास 11 का, पार्ट 1 शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है पाथ्स टू मॉडर्नाइजेशन। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पाथ्स टू मॉडर्नाइजेशन का इंट्रो देती हूँ, क्या है इसमें। देखिए, जो लास्ट चैप्टर है क्लास 11 का, इसमें हम चाइना और जापान की हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं कि वहाँ पर पहले राजा महाराजा हुआ करते थे, जैसे इंडिया में थे। तो इंडिया में आज डेमोक्रेसी है, ऐसे चाइना और जापान में क्या है और वहाँ की जो कंडीशन है वो अब कैसे हुआ है। जो मॉडर्न कंट्रीज हैं चाइना और जापान की, उनको बनने में क्या सफ़र उन्होंने तय किया है। ये दोनों एक ही जैसी कंट्रीज थी, एशिया कंट्री, एशियन जो कंट्रीज थी उन सभी का कल्चर लगभग सिमिलर ही था, सिर्फ भाषाएं और थोड़ा बहुत जो डाइवर्सिटी थी पहनावे में और उन सब में थे, लेकिन बेसिकली जो बिलीव्स वगैरह थे उनमें काफ़ी सिमिलैरिटीज थी। लेकिन अब तीनों कंट्रीज अलग अलग हैं, तो वो हम चाइना और जापान की हिस्ट्री के बारे में देखेंगे कि ये कैसे इन्होंने सफ़र तय करके अभी अलग अलग बनी है। तो ज्योग्राफी देखिए, आपको ये रहा हमारा इंडिया, हिंदुस्तान, यहाँ पर हम दिल्ली में बैठे हैं। ये है चाइना, चाइना का बॉर्डर इंडिया से लगता है, मंगोलिया से लगता है, कजाकिस्तान, और उसके बाद यहाँ पर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया है, यहाँ पर ताइवान है और इधर बाकी कंट्रीज हैं। ये है जापान, ये जो आइलैंड है ये जापान के आइलैंड है, चार पार्ट इसके हैं। तो चाइना और जापान, जो जापान का कल्चर रहा था उसका जो सोर्स था मेन चाइना से ही आया था, और इंडिया है, चाइना है, यहाँ की जो कंट्रीज हैं और बाकी जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान आज का है, जो बहुत पुराने समय में, इन सभी का कल्चर सेम था। और चाइना में जैसे आपने बुद्धिज़्म वगैरह देखा था, यहीं से गया था, और सेम जो एशियन कल्चर जापान तक पहुँचा था वो चाइना के थ्रू ही गया था। तो जो सोर्स था जापान का, यहाँ की कल्चर का, चाइना, उसके साथ इन लोगों की आपस में कैसी कुछ कुछ अनबन हुई है, आपस में थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं। जापान ने, ये देखिए, इतनी सारी जो एरिया है चाइना का वो कॉलोनियल रूल के थ्रू ले लिया था, जैसे बाकी यूरोपियन कंट्रीज ने अपनी कॉलोनीज बनाई थी, ऐसे ये छोटा सा आइलैंड जो कंट्री है ना, ये इतना स्ट्रांग कैसे हो गया कि इसने कोरिया, चाइना, नीचे ताइवान और इधर वियतनाम वगैरह हैं वो सब भी, उन सभी पर इसका आधिपत्य कैसे रहा था। और बाकी यहाँ पर आसपास की कुछ आइलैंड है, इतना छोटा सा आइलैंड कंट्री इतनी सारी चीज़ों पे उसने कब्जा कर लिया था, कॉलोनियल रूल अपना बना लिया था। और चाइना जो इतना बड़ा है, इतना वास्ट है इसकी टेरिटरीज, ये जो कभी जापान को देता था वो आज जापान से प्रॉब्लम उसको फेस करनी पड़ रही थी। और उसके बाद उस चीज़ को ख़त्म होने के बाद इतना स्ट्रॉन्ग चाइना कैसे बना, ठीक है, ये हिस्ट्रीज हम देखते हैं। तो हिस्ट्री के सोर्सेज, जैसा कि हम देखते हैं हमेशा से, डायनेस्टिक हिस्ट्रीज है दोनों की, जापान और चाइना की, और सेम इसमें थोड़ा बहुत हम वियतनाम और कोरिया का भी लास्ट में आएगा, जो बाद में कंट्रीज अलग बन गई। तो सभी की डायनेस्टिक हिस्ट्रीज रहती है, राजा महाराजा इनके यहाँ पहले रिकॉर्ड्स लिखवाते थे पूरे, अपने यहाँ पर अलग से इनके लिए डिपार्टमेंट्स होते थे, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स रखते थे। स्कॉलर्स बाद में थोड़ा सा और लेट, जिनकी राइटिंग्स है मॉडर्न हिस्ट्री जिससे जो रिलेटेड है चाइना और जापान की, पॉपुलर लिटरेचर और रिलीजियस लिटरेचर उनका वहाँ का जो है। फिर कुछ हिस्टोरियंस के नाम है, जैसे सिमा क्यान, ग्रेटेस्ट हिस्टोरियन ऑफ अर्ली चाइना, ये टाइम पीरियड 145 से 90 BCE बिफोर क्राइस्ट, मतलब समझ लीजिए आज से 2000 साल पहले का है ये, सॉरी 2000 बोल रही हूँ मैं, हाँ 2020 है, तो 2020 साल पहले का है ये एग्जैक्ट, और 145 ईयर्स और प्लस उसमें कर दीजिए, मीजी गवर्नमेंट इन 1969। ये मॉडर्न हिस्ट्री से थोड़ा रिलेटेड है, 1969 में जो मीजी गवर्नमेंट थी उन्होंने अलग से एक डिपार्टमेंट बनाया, ब्यूरो बनाया, जो रिकॉर्ड्स को और इन सब चीज़ों को लिख कर रखता था। तो इन रिकॉर्ड्स से, जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स होते हैं, इनसे भी उस टाइम की जो पॉलिटिकल सिचुएशन क्या थी, सोसाइटी में क्या चेंजेस हो रहे थे, वो सारी चीज़ें पता चलती हैं। कुछ स्कॉलर्स के बारे में देखते हैं, मॉडर्न स्कॉलरशिप हैज बिल्ड ऑन द वर्क ऑफ चाइनीज इंटेलेक्चुअल्स सच एज लियांग क्याचो,
अब देखो इनके नाम थोड़े मुझे शायद नहीं प्रोनाउंस करने आएंगे। और कुमे कुनेटाकी, वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री इन जापान। जापान के दो हिस्टोरियंस हैं, मॉडर्न हिस्ट्री पे इन्होंने लिखा है, एज वेल एज अर्लियर राइटिंग्स बाय यूरोपियन ट्रेवलर्स। और इन्होंने मॉडर्न हिस्ट्री लिखने से पहले जो यूरोपियंस जो थे, जो ट्रैवल करते थे, जैसे इन्होंने इंडिया की हिस्ट्री, अमेरिका की हिस्ट्री के बारे में लिखा है, सेम इन्होंने ट्रैवल किया है, तो इन्होंने जापान और चाइना में जो देखा वो भी इनकी राइटिंग्स है, उनसे भी उस टाइम के बारे में कुछ पता चलता है, सच एज इटालियन मार्को पोलो। और सेकेंड द जीसी प्रिस मेटेओ रिक की इन चाइना एंड लुइस फ्रॉयस इन जापान, ऑल ऑफ हुम लेफ्ट रिच अकाउंट्स ऑफ दीज कंट्रीज। और कुछ क्रिश्चियन मिशनरीज जो बाकी पूरी वर्ल्ड में फैले हुए थे क्रिश्चियन धर्म को फैलाने के लिए, इनके भी काफ़ी सारे अकाउंट्स होते हैं। फिर है इंग्लिश स्कॉलर्स जोसेफ निथम, मॉन्यूमेंट वर्क ऑन हिस्ट्री ऑफ साइंस इन चाइनीज सिविलाइजेशन। चाइना की जो पुरानी सिविलाइजेशन थी, वहाँ पर जो वहाँ की साइंस थी उसके बारे में लिखा है। जॉर्ज सेंसम्स ऑन जापानीज हिस्ट्री एंड कल्चर हैज़ ग्रोन एंड देर इज़ एन इमेंस बॉडी ऑफ सोफिस्टिकेटेड स्कॉलरशिप अवेलेबल टू अस टूडे। इन रिसेंट ईयर्स राइटिंग्स बाई चाइनीज एंड जैपनीज स्कॉलर्स हैव बीन ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश। अभी जो चाइनीज और जैपनीज स्कॉलर्स हैं, उन्होंने जो लिखा है उसको बाद में इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया गया है। और काफ़ी सारे उसमें से जो चाइनीज और जापानीज स्कॉलर्स हैं वो यूरोपियन और बाकी जगह की यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चरर्स हैं या फिर रिसर्चर्स वगैरह हैं। फिर जुदित राइट आते हैं, ऑस्ट्रेलियन राइटर हैं, चैम्पियन ऑफ राइट्स ऑफ ऑस्ट्रेलियन अबॉरिजिन्स। शी रॉट मैनी मूविंग पोएम्स अबाउट द लॉस क्रिएटेड बाय कीपिंग द वाइट पीपल एंड द नेटिव्स अपार्ट। तो देखो ऑस्ट्रेलिया में जो चाइना से लोग आ रहे थे ना, एशिया और जापान से भी आ रहे थे, चाइना से खासकर आ रहे थे लोग जो है एशियन माइग्रेशन, तो उसका भी लिंक इन सब चीज़ों से मिलता है। तो उससे चाइना की उस टाइम की बारे में पता चलता है कि चाइना ने जब अपना रिपब्लिक बनाया उससे पहले चाइना के क्या हालात थे, वहाँ के जो लोग थे वो बाकी कंट्रीज में क्यों जा रहे थे, माइग्रेट क्यों कर रहे थे। नाइटो कोनन, ये एक जापानीज है और ज़्यादातर इन्होंने चाइना के बारे में लिखा है, यानी कि जापानीज स्कॉलर ऑफ चाइना नाइटो कोनन। ऐसे क्या बहुत सारा कुछ लिखा है, उसको छोड़िए, डिपार्टमेंट ऑफ ओरिएंटल स्टडीज़ इन्होंने इन्होंने बनाया था क्योटो यूनिवर्सिटी में 1907 में, अलग से एक डिपार्टमेंट जो वहाँ की और मेन जो कल्चरल स्टडीज़ वगैरह करेंगे। उन्होंने वहाँ की रिपब्लिकन गवर्नमेंट के बारे में लिखा, कैसे हुआ, डायनेस्टी से गवर्नमेंट कैसे आई, उसका जापान का उस पर क्या प्रभाव रहा था, कि जापान ने कैसे इस चीज़ को सपोर्ट किया या फिर इनडायरेक्टली वो चीज़ आई, क्योंकि जापान के दबाव के कारण भी उनको चाहिए था कि हम कितनी चीज़ें झेल रहे हैं, हमको डेमोक्रेटिक बनना है, आज़ाद होना है, ये सारी चीज़ें। तो ये रहे हिस्टोरियंस वगैरह, बहुत ज़्यादा उन लोगों के लिए ज़रूरत है ये सारी चीज़ें, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में इनके नाम और इनसे रिलेटेड चीज़ें आ जाती हैं, इसलिए मैंने इसको भी थोड़ा शामिल कर लिया था। इंट्रो अब आता है, ईस्ट एशिया बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी डोमिनेटेड बाय चाइना किंग डायनेस्टी। अब जो ईस्ट एशिया है उसमें क्या आता है, चाइना और जापान के आसपास की जो कंट्रीज हैं, मतलब वियतनाम वगैरह है, कोरिया है और मंगोलिया वगैरह है, ये आ जाता है ईस्ट एशिया। ठीक है, मतलब एशिया का सबसे ईस्टर्न पार्ट। यहाँ पर 19th सेंचुरी तक, जब तक जापान ने ये चीज़ फील नहीं की कि भाई हमको स्ट्रांग बनना है, कहीं हम भी यूरोप के कॉलोनियल एम्पायर्स में से ना आ जाएं, जैसे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया और बाकी जगह के उनको पता चला था, तो जापान जब पावर में है उससे पहले तक ईस्ट एशिया में किसका दबदबा था, चाइना का दबदबा था, और वो भी क्या है, किंग डायनेस्टी। जापान एक स्मॉल आइलैंड कंट्री जैसा आपने अभी देखा था, अलग से एक था जापान कंट्री। चाइना अनेबल टू फेस कॉलोनियल चैलेंज, चाइना इन चीज़ों को फेस नहीं कर पाया, जैसे ब्रिटेन से भी थे, वहाँ के लोग भी थे और फिर बाद में जापान का भी था। जापान बिल्डिंग ए मॉडर्न नेशन स्टेट, लेकिन जापान इस चीज़ को पहले से ही अलर्ट हो गया था इस चीज़ के लिए कि हमको यहाँ पर यूरोपियन पावर
को नहीं आने देना है, और हमको खुद को एक स्ट्रांग आर्मी और स्ट्रांग कंट्री और स्ट्रांग इकोनॉमी स्टैब्लिश करनी होगी, तो हम इन चीज़ों को फेस कर पाएंगे। तो बिल्डिंग अ मॉडर्न नेशन स्टेट, ये इस चीज़ में लगा हुआ था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कर रहा था, इकोनॉमी को स्ट्रांग कर रहा था। कॉलोनियल एम्पायर बाय इनकॉर्पोरेटिंग ताइवान एंड कोरिया, ताइवान, कोरिया, चाइना और रशिया, अपने मैप में देखा था, इन सब जगह पर अपना कॉलोनियल एम्पायर भी जापान ये टाइम पीरियड में स्टेब्लिश कर चुका था। क्या था? ताइवान में 1895 में, कोरिया में 1910 में, चाइना 1894 से शुरू किया था, और रशिया 1905। द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी विक्टोरियस फ्रॉम सिविल वॉर इन 1949। फिर चाइना में जो चीज़ें हो रही थी कि कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ की इतने लंबे संघर्ष के बाद जीती, सिविल वॉर जो चाइना में चल रहा था वो लगभग ख़त्म हुआ, और उसके बाद चाइना जो आज है वो बनना तब से शुरू हुआ था, नहीं यानी कि 19 के मिडल से, 1949। ठीक है, तो ये हम पूरा पढ़ने वाले हैं कि चाइना और जापान में क्या पूरा का पूरा उन्होंने पाथ, उन्होंने सारा का सारा फेस किया था ये सारी चीजें। ठीक है, तो शुरुआत यहाँ से करते हैं कि चाइना की आज जो ज्योग्राफी और इथनिक ग्रुप, लैंग्वेज और फूड क्या क्या है, जापान का, सॉरी चाइना का ज्योग्राफी क्या है? वास्ट कॉन्टिनेंटल कंट्री है, आपने जैसे मैप में देखा बहुत सारे क्लाइमेटिक जोन्स हैं, कहीं पर गर्मी है, कहीं ठंडी है, कहीं नदियां हैं, कहीं रेगिस्तान, मतलब थोड़ा सा मंगोलिया की तरफ देखे तो बिल्कुल प्लेन लैंड है, कहीं फिर बाद में कहाँ पर आता है बॉर्डर, समुद्र से लगता हुआ आता है, तो ऐसे बहुत सारे क्लाइमेटिक जोन्स भी हैं, बहुत बड़ा है, अलग अलग वहाँ पर एथनिक ग्रुप्स भी हैं, तीन मेजर रिवर्स हैं, द येलो, इसके नाम याद रखना मैचिंग में भी आ सकते हैं, द येलो क्वांगही, द यांग से, शांगस्यांग जो थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड की, एंड द पर्ल रिवर। ज़्यादातर काफ़ी सारा माउंटेनियस रीजन है चाइना का, एथनिक ग्रुप्स हैं, डाइवर्जेंट एथनिक ग्रुप्स हैं, जैसे कि हा हान, उइघुर, हुई, मांचू एंड तिब्बतन, जिसमें शंघाईज भी आते हैं। लैंग्वेज जो है कैंटोनीज, चाइनीज और शंघाईनीज, इनके जो नेम है चाइनीज लैंग्वेज को पुतोंग हुआ बोलते हैं, कैंटोनीज को युए बोलते हैं, शंघाई जो है उसको वू बोलते हैं। फूड क्या है? अब ये जो फूड है ना, आपकी एनसीईआरटी में प्रॉपर पढ़ना है इसको, कि जो चार जोन है मेन इसके, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ऐसा करके, उसमें अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजें फेमस हैं, जैसे वीट है और राइस है, पेस्ट्रीज है, डम्पलिंग्स हैं, ये है डम्पलिंग्स, ये मोमोज जैसे कुछ होते हैं, ये दमसम है, ये भी अलग अलग तरीके से बनाया जाता है, अंदर राइस वगैरह जैसा कुछ भर के, जो शेजवान स्पाइसेस हैं, मसाले जो चाइना के फेमस है, वो बुद्धिस्ट मॉन्क ही एंशियंट टाइम में चाइना में लेकर गए थे इंडिया से, और आई थिंक पोर्टुगीज भी कुछ लेकर गए थे चाइना में। ये देखिए जो लॉन्गेस्ट रिवर है, यांगसे रिवर, थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ वर्ल्ड और चाइना की सबसे बड़ी नदी है, ये है येलो रिवर और ये है पर्ल रिवर, ये तीनों समुद्र में मिलती हैं। ये शोंगबो रिवर ये रशिया से जुड़ती है, बीजिंग ये चाइना की कैपिटल है, ताइजिन और गुआंगजू ये मेन सिटीज़ हैं, और एक शंघाई, इधर इधर तिब्बत आ जाता है, जो एक अलग होना चाहिए चाहता है कंट्री, लेकिन चाइना के प्रभाव में है अभी, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, इंडिया, भूटान, इधर मंगोलिया, इधर रशिया, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, सॉरी कहाँ चला गया, हाँ ये बॉर्डर्स लगते हैं इसके, इधर ताइवान आ जाता है, इधर नॉर्थ कोरिया आ जाता है, हांगकांग आ जाता है। ठीक है, ज्योग्राफी बहुत सहायक होती है हिस्ट्री को याद रखने में, इसलिए मैप्स का स्टडी होना बहुत ज़रूरी है। ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, इतना लंबा, जो अंतरिक्ष में अगर चंद्रमा पर चले जाओ तब भी ये दिखाई पड़ता है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जो मंगोल्स के डर से ये बनाया था चाइनीज लोगों ने, कि ये चाइना पर बार बार अटैक कर रहे थे इसके लिए। ओके, जापान आती है, ज्योग्राफी बहुत स्मॉल आइलैंड कंट्री है, अलग से बिल्कुल, जैसे कहीं दूर किसी ने उठा के पटक दिया उसको कि तुम यहीं पर रहो। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, चार आइलैंड जो ग्रुप है,
होनशु जो सबसे बड़ा है, क्यूशु, शिकोकू, ये आइलैंड्स के, चार आइलैंड के नाम है। ओकिनावा चेन इन साउथ, लेक्स मेजर रिवर सिस्टम, रिवर सिस्टम है नहीं वहाँ पे, जैसे चाइना में बड़ी बड़ी नदियाँ हैं ऐसा यहाँ पर नहीं है। 50% एरिया इज इन माउंटेनियस एक्टिव अर्थक्वेक जोन, बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं जापान में, तो उन लोगों के लिए, उन लोगों का जो स्ट्रक्चर है और सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बाकी चीज़ों का, वो सब इसी तरीके से बनाया गया है कि वहाँ पर अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा आते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत ही नॉर्मल बात है कि भाई ये सुशी बना रहे हैं, फिश होती है रॉ फिश, राइस के अंदर ये रॉ फिश को छोटा छोटा काट के ऐसा भर के बनाया जाता है राइस के अंदर, तो वो सुशी बना रहे हैं और अर्थक्वेक आ रहा है, तो उनके लिए नॉर्मल बात है। जैसे इथनिक ग्रुप है, होमोजेनियस इथनिक ग्रुप है, और कुछ आइनो मिनोरिटी और कोरियंस है, जब जापान ने कॉलोनियल रूल स्टेब्लिश किया था इन चीजों जगहों पर, तो वहां से कुछ लोग लाए गए थे, बंदी वगैरह या फिर स्लेव वगैरह टाइप में कुछ वहां से माइग्रेट होकर आए थे। लैंग्वेज जापानीज है, फूड राइस फिश, रॉ फिश मेन, और इस रॉ फिश की डिश को सशिमी या सुशी कहा जाता है। आप लोगों ने अगर वो कौन सा एक नाटक होता है जापान जापान का, उसमें देखा होगा, मॉम मेरे लिए सुशी बना दो ऐसा बोलता है कौन वो छोटा सा बच्चा। अच्छा ये है जापान का होकाइडो, ये आइलैंड है, होनशु ये सबसे बड़ा है, फिर इधर आ जाता है ये शिकोकू और क्यूशु, ये क्यूशु आता है, ये शिकोकू आता है, फिर यहाँ से ये सब होनशु है और ये एक होकाइडो है, ये चार आइलैंड्स हैं। ठीक है, माउंट फुजी है फेमस यहाँ पर, टोक्यो ये कैपिटल है जापान की, ये चाइना है, ये रशिया है, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ये ईस्ट चाइना सी है, ये येलो सी है क्योंकि यहाँ पर येलो रिवर आती है इसके लिए, ये जापान सी है, ईस्ट सी, ओके ये पैसिफिक ओशन है, ये यहाँ पे फिलिपिन सी है, ठीक है यहाँ पर ताइवान है, ये समझ में आ गया होगा आपको। तो ये मेन इंट्रो था सिर्फ 11th चैप्टर का, बाकी हम चैप्टर की इन दोनों चीज़ों की अलग अलग हिस्ट्री नेक्स्ट पार्ट से शुरू करेंगे। आई होप आपको इंट्रो समझने में कोई प्रॉब्लम ना हुई हो, कुछ अगर नहीं फिर भी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कुछ कमेंट आएंगी, कोई कुछ क्वेरीज आएंगी तो मैं संडे को लाइव होके उन चीज़ों की क्वेरीज दूंगी आपको। ये चैप्टर ख़त्म होने के बाद 11th क्लास से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी में आते हैं या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आते हैं, उसका एक मैं एक या दो वीडियोस बनाऊंगी, डिपेंड्स कितने क्वेश्चंस हो जाते हैं उस चीज पे। ठीक है, तो अगर आपको चाहिए किसी टॉपिक से रिलेटेड कि इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है, वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ये चैप्टर खत्म होने के बाद मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे एक दो वीडियो बनाऊंगी, उसके बाद 11th क्लास खत्म हो जाएगा, 12th क्लास शुरू करूंगी। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।